तो इस वीडियो में हम टेस्ट करने वाले इस कॉर्नेटो के सॉल्टेड कैरेमल ब्राउनी फ्लेवर फ्रोजन डेजर्ट को। आइसक्रीम नहीं है, फ्रोजन डेजर्ट है। इस तरह से आपको जो है कोन शेप में जो इसकी पैकिंग देखने मिलती है, वेजिटेरियन प्रोडक्ट है। नेट कंटेंट यहाँ पे आप देख सकते हो 72 ग्राम, 110 ml। प्राइसिंग है यहाँ पे 70 रुपीज़, जो मुझे इतनी रिजनेबल नहीं लगी क्योंकि ये फ्रोजन डेजर्ट है ना कि आइसक्रीम, तो थोड़ी सी प्राइसिंग ज़्यादा लगती है। बट ठीक है, इनका ये कॉर्नेटो एक तरह से ब्रांड है, कॉर्नेटो कॉर्नेटो करके ये इसे सेल करते हैं। इसलिए फिर जो बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की, तो यहाँ पे जो है इसके बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स जो आपको देखने मिलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रोजन डेजर्ट इंग्रेडिएंट्स है। यहाँ पे वाटर कंपाउंड कोटिंग जो है 22.7% की, उसमें ये सारे इंग्रेडिएंट जो है इंक्लूडेड है। आप इसे जो है पॉज करके पढ़ सकते हो। यहाँ पे वेफर बिस्किट कोन है, इसमें 15% पे ये सारे इंग्रेडिएंट्स है, आप उन्हें जो है पॉज करके पढ़ सकते हो। अगेन यहाँ पे सॉल्टेड कैरेमल कॉन्फेक्शनरी 7.8%, उस पर ये सारे इंग्रेडिएंट्स है, तो अगर आप इन्हें भी जो है पॉज करके पढ़ सकते हो। तो ये सारे इसमें इंग्रेडिएंट्स है, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स इन्होंने ऐड किए, बहुत सारे प्रिजर्वेटिव, आर्टिफिशियल कलर है, फ्लेवर्स है। तो जैसे कि फ्रोजन डेजर्ट है, उस तरह से इंग्रेडिएंट्स भी जो इतने अच्छे नहीं है, हेल्दी नहीं है। यहाँ पे सॉल्टेड कैरेमल सॉस है 3.8%, आमंड है 2.4%, और कलर्स वगैरह है कंटेंस मिल्क, सोए, व्हीट एंड नट्स। ये सारे इसके इंग्रेडिएंट्स थे। आई होप कि आपने पॉज करके पढ़ लिए हो, अगर आपको पढ़ना है तो। न्यूट्रिशन फैक्ट्स से यहाँ पे एज पर 72 ग्राम, मतलब पर एक फ्रोजन डेजर्ट आप ये पूरा कंज्यूम करोगे कोन, तो आपको इतने न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। तो इसमें मेन हमें देखना है शुगर, एडेड शुगर एंड टोटल शुगर्स को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो एडेड शुगर है 17.1 ग्राम, टोटल शुगर 21 ग्राम। तो टोटल करें तो इनका अराउंड जो होता है 38 ग्राम के आसपास जो आपको आउट ऑफ 72 ग्राम जो शुगर ही देखने मिलती है। तो बहुत ज़्यादा शुगर है इसके अंदर, इसलिए आप इसे ओकेशनली खाइए, ज़्यादातर मत खाइए, कभी कभार ही खाइए। मैन्युफैक्चरिंग डेट बेस फॉर यहाँ पे आपको देखने मिलेगी। शेल्फ लाइफ है 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। अगेन आपको इसे जो इसे -18 डिग्री और उसके बिलो वाले टेम्परेचर में रखना है। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो कुछ एड्रेसेस पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है। अगर आपको पता करना है कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग एक्जैक्टली कहाँ पे हुई है जो पैक आपने खरीदा है, तो आपको लॉट नंबर का जो है ये लॉट नंबर होता है, फर्स्ट कैरेक्टर देखना है। यहाँ पे ए है, तो ए के हिसाब से यहाँ पे मैं फाइंड आउट करूँ तो ये रहा ए, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, प्लॉट नंबर A-8/9, MIDC मालेगांव तालुका सिन्नर नासिक महाराष्ट्र, ये इनका लाइसेंस नंबर। यहाँ पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है। क्वेश्चन क्वेरीज होंगी तो आपको जो यहाँ पे कांटेक्ट करना इस एड्रेस पे, इस नंबर पे और इस मेल आईडी पे। चलिए अब इसे ओपन कर लेते, टेस्ट कर लेते किस तरह से जो सॉल्टेड कैरेमल फ्लेवर जो है कॉर्नेटो फ्रोजन डेजर्ट देखने मिलता है। नीचे प्लेट ले लेता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये थोड़ी हमारी फ्रोजन डेजर्ट है मेल्ट हो गई होगी। तो मैं क्या करूँगा, इसे पूरा ही ओपन करूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हो इसके लेयर्स, दो लेयर्स के साथ है। इसे रखते यहाँ पे नीचे, इसे भी रखते इसके अंदर, कुछ इस तरह से देखने मिलती है ये दो लेयर्स में। करता हूँ मैं इसे अभी टेस्ट। थोड़ी जो है मेल्ट हो चुकी है, तो मैं इसे लेता हूँ प्लेट में और यहाँ पे लेके जो है इसे मैं कुछ ऐसे खाऊंगा कि इसमें इसकी सारी लेयर्स आ जाए। फूड पॉनी कर लेते क्या फर्क पड़ता है। बहुत ठंडी है, तो चॉकलेट ब्राउनी है ये, ऊपर वाली लेयर में ही है। आप देख सकते हो तो कैश्यू पीसेस वगैरह भी इसके अंदर देखने मिलते हैं। ये जो है साइड का जो कोन है, और ये फ्रोजन डेजर्ट है तो जल्दी जो है मेल्ट होने लगता है। तो आपको जो इसे रेफ्रिजरेटर में से निकालने के बाद जो है इमीडिएटली खाना चाहिए, अदरवाइज ऐसा फूड पॉन हो जाएगा, आपको ऐसे चम्मच के द्वारा इसे खाना पड़ेगा। बहुत अच्छी टेस्ट है मैं कहूँगा, यूजुअली जो सॉल्टेड कैरेमल फ्लेवर होता है वो मुझे अच्छा नहीं लगता है क्योंकि इसकी टेस्ट बहुत अजीब सी आती है, बट इस केस में वैसा नहीं है। इसकी टेस्ट जो यहाँ पे बहुत अच्छी जो है देखने मिली है, तो आप डेफिनेटली जो है इस कॉर्नेटो के सॉल्टेड कैरेमल फ्लेवर
फ्रोजन डेजर्ट को टेस्ट कर सकते हो। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्वेश्चन कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।